सो फनी गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप लोग अपनी BSNL की सिम को घर बैठे ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। कई बार होता क्या है कि आपको जाने का समय नहीं होता है, लेकिन आप चाहें तो BSNL की जो सिम होती है इसको घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारी BSNL की सिम थी इसे हमने घर पर ही रहकर ऑर्डर किया है, तो आप लोग भी घर पर ही रहकर ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद कुशवाहा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्त, आपको दो तरीके बता देते हैं। आपको प्ले स्टोर पर आना होगा, और प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन के बारे में सर्च करना होगा जिसका नाम है BSNL। जैसे आप एप्लीकेशन के बारे में सर्च करते हैं तो देखिए इस एप्लीकेशन के डाउनलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इस एप्लीकेशन को साइन इन करेंगे। साइन इन करने के साथ में आपको यहाँ पर इस तरह का पेज दिखाई देगा, और यहीं पर आपको एक न्यू सिम का एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप सिम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ। आपको आना है क्रोम पे, और यहाँ पर सर्च करना है BSNL न्यू सिम, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए BSNL की जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी, और वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ पर आपको देखिए BSNL का पोर्टल खुल चुका है। अब यहाँ से आपको जो है अगर न्यू सिम चाहिए या फिर अपनी पुरानी सिम को अपडेट करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलती रहेंगी। देखिए अगर आपको BSNL का न्यू सिम चाहिए, न्यू कनेक्शन चाहिए, तो आप यहाँ पर न्यू कनेक्शन दे सकते हैं, और यहाँ पर आपको और भी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपको देखिए न्यू सिम के लिए कौन सा आप प्लान है वो लेना चाहिए, कौन सी सिम है, कौन सी बेस्ट रहेगी आपके लिए, तो यहाँ पर देखिए प्रीपेड चाहिए या पोस्ट पे चाहिए वो सारी चीज़ें आपको पूछेगा। न्यू कनेक्शन चाहिए हमें, अगर पोर्टिंग के लिए चाहिए तो पोर्टिंग भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सिम पोर्ट कराना चाहते हैं तो पोर्ट के लिए भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और रिक्वेस्ट डालने के बाद यहाँ पर देखिए अगर आप पोर्ट कराना चाहते हैं किसी भी नंबर को तो आप वहाँ पर पोर्टिंग नंबर डालेंगे, और न्यू कनेक्शन चाहिए तो न्यू कनेक्शन के लिए डालेंगे, और किस कंपनी के अंदर चाहिए वो भी आप सेलेक्ट करेंगे। हमें चाहिए BSNL के अंदर, BSNL का नंबर चाहिए नया, तो BSNL के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हमें पोर्टिंग हो गया, न्यू कनेक्शन हो गया, और यहाँ पर जो सा पैकेज आपको चाहिए उस पैकेज को ले लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना फुल नेम डालेंगे, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उस मोबाइल नंबर पर OTP आनी चाहिए, दूसरा मोबाइल नंबर, ईमेल आई डालेंगे, और इन यहाँ पर जो है आपको एड्रेस डालना होगा जैसे कि पिन कोड, फुल नेम, सारी चीज़ डालने के बाद आपको जो है ये जो आपको कनेक्शन है मिल जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर आपको कुछ समय तक इंतजार करना होगा, लगभग 24 से 48 घंटे, और आपके पास खुद यहाँ पर BSNL कंपनी में जो आपने नंबर डाला है BSNL कंपनी का एजेंट आपको फ़ोन करेगा और आपसे एड्रेस पूछेगा। एड्रेस सारे आप चीज़ें बताने के बाद उस एड्रेस पर आएगा और आपकी KYC करके जाएगा, आपकी सिम खुद घर पर ही रहकर खोल के जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। राधे राधे।